हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आकांक्षा आज आपको ये समझाऊंगी कि किस तरीके से अपन आरपीएससी के जो इंटरव्यूज हैं उनको फेस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कि ये जो इंटरव्यू हम फेस करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमको घबराहट या फिर कह सकते हैं कि एक डर पैदा करती है। नॉर्मली अपन एक बात करते हैं कि इंटरव्यू तक जाएंगे कैसे, तो देखो सीधी सी बात है कि अपन ने क्या किया, अपन ने रिटन एग्जाम को क्या किया, पास किया, उसके बाद में हम इंटरव्यू देने गए। इंटरव्यू को लेके होता क्या है कि कई सारी बातें, कई सारी घबराहट, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कैंडिडेट ये सोचता है कि हम क्या करें, कैसे करें। तो इसके लिए ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। पूरे वीडियो को देखने के बाद इस चीज की गारंटी मैं लेती हूँ कि पूरे वीडियो को देखने के बाद में लास्ट में आपको जो आपकी अति संवेदनशीलता है, जो आपका डर है, जो आपका भय है, वो क्या हो जाएगा, निश्चित तौर पे कम हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, जो है कि हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, कि किस तरीके से अपन आरपीएससी के जितने भी हमारे इंटरव्यूज हैं उनको अपन फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक इंटरव्यू की, कि एक कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाता है, तो जब वो वहां जाता है और वेट करता है तो उसे क्या लगता है, उसे ये लगता है कि कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा है, काश जल्दी से इंटरव्यू क्या हो जाए, खत्म हो जाए, मैं यहाँ से रिलैक्स हो जाऊं। हालांकि इंटरव्यू में टाइम कितना लगता है, मैक्सिमम अपन माने कि जैसे 30 मिनट्स तो है ही है, ज्यादा से ज्यादा बहुत लंबा चला तो 45 मिनट्स तक अपना जो इंटरव्यू है आगे चल जाता है। तो हम बात करते हैं कि कैंडिडेट यही सोचता है कि कैसे ना कैसे इस मुसीबत से मैं क्या चला जाऊं, मैं बाहर चला जाऊं। तो अब इसके लिए करना क्या होगा, तो देखिए कि सबसे पहले जब आप एंटर करेंगे कहां पर, इंटरव्यू हॉल जहां पर है वहां पर जब आप एंटर करेंगे, तो एंटर करते वक्त आपको क्या देखना है कि सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि फुल ऑन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या करना चाहिए कि जैसे ही आप गेट खोलेंगे, बेसिकली अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जाएंगे और जाने के बाद में हम गेट खोलेंगे, तो गेट खोलने के बाद ये नहीं है कि गेट को अपन ने छोड़ दिया और गेट अपने आप धड़ाम से बंद हो गया, ऐसा नहीं करना है। हालांकि वहां पे पियोन है, अगर पियोन गेट बंद कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वहां पर पियोन नहीं है तब आप क्या करेंगे, तब आप वहां पे पहले अंदर जाएंगे और अपने हाथ से वापस धीरे से उस गेट को क्या करेंगे, बंद करेंगे। सिंपल सी चीज है, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फिर जब आप वहां पर जाएंगे तो जितने भी उस हॉल के अंदर एक बोर्ड समिति बैठी हुई होती है, और उस बोर्ड समिति के अंदर 5 भी 6 भी और 7 क्या हो सकते हैं, बोर्ड मेंबर हो सकते हैं। अब उन सभी को आपको क्या करना पड़ेगा, उन सभी को आपको विश करना पड़ेगा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, इस तरीके से आपको उनको बोलना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में जब आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपके सामने क्या लगी हुई होगी, चेयर। तो अगर इसके अंदर भी आपको ये ध्यान रखना है क्या, कि जब वो बोल रहे हैं कि आप बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, तो आप बैठ जाएंगे, ठीक है। अगर वो नहीं बोलते हैं तो आपको एम्बैरेस नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है कि अब मैं क्या करूं, आप परमिशन लेके बोलिए ना, आप परमिशन लीजिए उनकी, परमिशन लेके बोलिए कि क्या मैं सर बैठ जाऊं, तो वो आपको आराम से क्या करेंगे, परमिशन देंगे और आप बैठ जाइए। इसके बाद जब आप वहां पे बैठे हैं तो उन 5-6 जो लोग हैं, जो बोर्ड समिति के मेंबर हैं, उनको देखने के बाद में आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये मुझसे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे बस, और मुझे उसी का क्या देना है, आंसर देना है।
ऐसा नहीं है, वो पांच या छह मेंबर या सात मेंबर जितने भी हैं, वो एक एक मेंबर आपको कंप्लीटली क्या कर रहा है, आपका एक्सरे कर रहा है, आपके अंदर झांक रहा है, आपकी एक एक मूवमेंट, आपकी एक एक एक्टिविटी को वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। क्योंकि आप क्या करने आए हैं, एग्जाम तो आपने क्लियर कर लिया, आप अभी यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हैं। तो इतना आपको समझ में आया? तो उनको ऐसे नहीं लेना है कि हाँ सिंपली ये लोग बैठे हैं और क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन वो आपकी हर एक एक्टिविटी, आपके हाव भाव एक्सप्रेशन, आपके बातचीत करने का तरीका, आपके मैनर्स, आपके एटिकेट्स, हर चीज को देखेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब कोई भी कैंडिडेट यहां तक इस स्टेज तक पहुंच गया, तो अब उसके बाद में क्वेश्चन का राउंड स्टार्ट होता है। जब क्वेश्चन का राउंड स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पर वो लोग हमसे सबसे पहले जो क्वेश्चन करते हैं, देखिए आरपीएससी इंटरव्यू के अंदर मैक्सिमम पार्ट जो होता है इंटरव्यू का, वो कौन लेके जाता है, करंट अफेयर्स। आप मान लीजिए कम से कम 70-75% जो है पार्ट क्वेश्चनिंग का, क्वेश्चन राउंड का, वो कौन लेके जाएगा, करंट अफेयर्स लेके जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल अच्छी तैयारी के साथ में अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है, बहुत लंबे समय से तैयारी करते चलना है, और अपने आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, आपके शहर के अंदर, आपके राज्य के अंदर, आपके देश के अंदर, आपके पड़ोसी देशों के अंदर, इन सब के लिए भी आपको क्या रहना है, अपडेट रहना है। तो ये बात तो हो गई कि क्वेश्चनिंग राउंड में हमें करना क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चनिंग जो राउंड चलता है, तो ये बेसिक तो हो गया आपका कौन सा, करंट अफेयर, ठीक है। अब इसी के साथ साथ आपको किस टॉपिक पे तैयारी करनी है, तो वो दूसरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका खुद का बायोडेटा। बायोडेटा, हाँ जी बिल्कुल, आपका खुद का बायोडेटा जो है उस पे आपको तैयारी करनी है। अब आप बोलेंगे मैम कैसे तैयारी करनी है, तो आपको माइसेल्फ यानी कि मी, माइसेल्फ मैं, मेरे ऊपर तैयारी करनी है। मेरे ऊपर क्या तैयारी करनी है कि आपको ये देखना है कि भाई मैं, मेरा नाम, मेरे दादाजी का नाम, परदादाजी का नाम, ये सब क्या है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, दादाजी तक तो अपन बता देते हैं, पर दादाजी तक बताते जाते तो हम भूल जाते हैं। तो ये चीज तो है, ये वर्क आपको अपने ऊपर करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो चीज हुई वो क्या हुई, मी यानी कि मैं, ये सब मेरे ही तो हैं। इसके अलावा वो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, स्टेट क्या था, और आपने स्टडी कहाँ तक करी, स्टडी जो आपने करी है, लाइक आपने ग्रेजुएशन किया है, तो उस ग्रेजुएशन के अंदर आपके क्या सब्जेक्ट थे, वो भी याद रखने पड़ेंगे। बिल्कुल, इतनी हायर लेवल पर स्टडी करने के बाद में फिर एकदम से कोई पूछ ले कि यार ग्रेजुएशन के अंदर तेरा सब्जेक्ट क्या था, तो हम बेसिकली क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको वो ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं वो भी अच्छी तरीके से क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपकी हॉबी भी पूछ सकते हैं। तो कम से कम आपको दो या तीन हॉबी तो याद करनी ही पड़ेंगी। अगर हॉबी पूछे तो पर्टिकुलर एक ही हॉबी बताएंगे, और अगर वो हॉबीज पूछे तो दो और तीन हॉबीज आपको बतानी है। कुछ भी हो सकती हैं, किसी की राइटिंग भी हो सकती है, किसी की रीडिंग भी हो सकती है, किसी की सिंगिंग भी हो सकती है, डांसिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो हम इसकी बात करते हैं कि ये अपने लिए है। आपका फेवरेट कलर पूछ सकते हैं, क्या आपका फेवरेट कलर बताओ, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये सिंपल से नहीं है। जब अपन बैठते हैं इतने लोगों के सामने, और जब हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि हमको इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पर ये चीजें हमको लगता है कि यार क्या है ये, ठीक है। तो सबसे पहले फिर अपन क्या और क्या पूछ सकता है, वो आपकी फेवरेट बुक पूछ सकता है, क्या आपकी फेवरेट बुक बताइए,
या फिर वो क्या पूछ सकता है, या फिर वो आपके बारे में पूछ सकता है कि कोई आपका फेवरेट क्रिकेटर बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपके बारे में पूछेगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि जब आप पर फोकस कर लिया उसने, अब जो सेकंड क्वेश्चनिंग राउंड जो चलेगा तो उसके अंदर वो क्या पूछेगा आपसे। भाई ये तो एक लेवल हो गया जिसमें आप ही के बारे में पूछा जा रहा है, आपकी हर एक चीज के बारे में पूछा जा रहा है। अब सेकंड थिंग क्या होती है कि सेकंड जो है वो आपसे या आपके करंट जो अफेयर्स होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाएगा। फिर अब थर्ड में क्या पूछा जाएगा, थर्ड में आपसे पूछा जाएगा कि अगर वाले क्वेश्चन, इफ वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे कि अगर आप उपखंड अधिकारी होते, क्या अगर आप जिला उपखंड अधिकारी होते, या फिर अगर आप कलेक्टर होते, या फिर आप डीएसपी होते, तो अपने कार्य क्षेत्र में जो आपका एरिया है, जो आपको दिया गया है, उसमें कोई से 5 कदम कौन से उठाते आप, जो सबके लिए हित में होते, जो सबके लिए बेनिफिशियल होते, आप ऐसे क्या 5 कार्य करते। तो ये चीजें भी आपको, ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इस लेवल पे जाने के बाद में आप कौन कौन से कार्य करते, तो ये चीजें भी आपको क्या करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी कि वो अगर हम इस पोस्ट पर होते तो हम कौन कौन से 5 कार्य या 2 कार्य या 3 कार्य करवाते। तो इससे बेस क्वेश्चंस भी किसके अंदर आते हैं, इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। और हाँ, मैं अब बात करूं किसकी, वुमेन की, यानी कि महिलाओं की बात करूं, तो महिलाओं के लिए तो कुछ स्पेशल चीजें भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। और वैसे भी आप महिला हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू फेस करने आए हैं, नॉलेज आप में बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीजों का अगर अपन ध्यान रख लेंगे, छोटी छोटी चीजों का, तो हमारा जो इंटरव्यू है वो सफल हो जाएगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके अंदर ये जो छोटे छोटे से जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं कि महिला होने के नाते आप 2 या 3 ऐसे अधिकार बताइए, 2 या 3 ऐसे अधिकार बताइए जो वुमेन्स के लिए हैं, या फिर ऐसे कोई कानून बताइए कि वुमेन्स के लिए बना हो। तो वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए जो बना है कानून, उसके अंदर आप क्या बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा बना है कि नहीं बना है। क्या है घरेलू हिंसा, आपको पता है आसानी से कि भाई घर में जो महिला रहती हैं और अपने परिवारजन जो है उनके साथ रहने वाले, उनके साथ में मारपीट का अगर शिकार होती हैं, ठीक है, या फिर उनको गंदे शब्द, गंदा व्यवहार, भद्दा व्यवहार किया जाता है, तो वो आराम से रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है किसके अंदर, घरेलू हिंसा के अंदर। या फिर अपन बात करें राइट टू एजुकेशन, अधिकार है शिक्षा का, ये शिक्षा का अधिकार है। और बालिकाओं के लिए तो, महिलाओं के लिए तो, जो गर्ल्स हैं आप देख रहे हैं कितनी स्कीम हमारी गवर्नमेंट ने निकाल रखी है, तो उन स्कीम के बारे में भी आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़कर जाना है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। ये सारी की सारी बात तो हो गई। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उस लेवल पर पूछे जाते हैं जहां पर आपका किताबी ज्ञान बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किताबी ज्ञान कुछ काम नहीं आता, क्योंकि वास्तव में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपने अपना रिटन एग्जाम पढ़कर एक कमरे में बंद रहकर ही फेस किया है, आप सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन जब आपके इंटरव्यू की बात आती है, तो इंटरव्यू का मतलब क्या है, इनर व्यू। इनर व्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो इनर व्यू का मतलब होता है हमारे अंदर का दृश्य, कि हम अंदर से कैसे हैं, क्या कि हम अंदर से कैसे हैं, ये है हमारा क्या, इनर व्यू। ठीक है, तो जब सामने आपके कमेटी के सदस्य बैठे रहते हैं तो वो सदस्य आपसे क्या बोलते हैं, आपसे क्वेश्चंस करते हैं ना, क्यों क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर वो क्वेश्चंस ना करें तो आप वहां जाके बैठ जाएंगे बस गुमसुम से। उनको कैसे पता चलेगा कि जो हम कैंडिडेट,
जो भी सामने वाला व्यक्ति जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, वो इसके लायक है या फिर नहीं है। तो उसके लिए क्या रखा गया है? क्वेश्चनिंग राउंड रखा गया है। वैसे बच्चों मुझे हंसी आती है कुछ बच्चों को ये देख के कि जो कैंडिडेट जिनका बहुत अच्छा क्या हो जाता है, इंटरव्यू चला जाता है बहुत अच्छे से, मतलब वो क्या बोलेंगे कि यार मेरे से तो है ना 20 क्वेश्चन पूछे थे और उस 20 क्वेश्चन में मैंने 16 के 16 के तो क्या कर दिए, आंसर दे दिए। यार बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो इतने बड़े बड़े लोग मुझसे 20 क्वेश्चन पूछे और फिर भी मैं कम से कम 16 17 पे तो आया। तो वो बच्चा खुश हो जाता है कि हाँ यार मेरा इंटरव्यू तो ठीक ठाक चला गया, मतलब चांसेस है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको अपने दिमाग से पूरी तरीके से निकाल देना कि अगर आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही जा रहे हैं, 15 16 17 18 पर आप जा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आंसर सही भी हो गया ना, तो भी आप इस बात को मान के चलिए कि कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का मतलब है आपके अंदर झांकना। आई बात समझ में? कि क्वेश्चंस करके वो आपके अंदर के जो गुण हैं, आपके व्यक्तित्व है, उसको क्या करना चाहता है, बाहर निकालना चाहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन अगर गलत चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं आता है, आप उनसे सॉरी बोल दीजिए कि सॉरी मैं इस चीज का आंसर आपको नहीं दे पाऊंगा। आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और शिष्टाचार, शिष्टाचार का आप बेहद ध्यान रखेंगे। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कोई चीज पूछ रहा है तो थैंक यू सर, इनका थैंक यू का, वेलकम का, सॉरी का, इन शब्दों का आप प्रॉपर उपयोग करेंगे। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका उठना बैठना बोलना चालना एटिकेट से जितने भी शिष्टाचार हैं ये सब देखे जाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ऐसे विचार आते हैं कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, इन पर कौन ध्यान देगा, जब मेरा इंटरव्यू होगा तब तो मैं आसानी से उस टाइम पर तो आधा एक घंटे के लिए बिल्कुल सही हो जाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से एक काम करूंगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक वहम है। क्यों? क्योंकि आधा घंटा एक स्टेबल पोस्चर के अंदर बैठे रहना और बहुत तरीके से अपना व्यवहार प्रदर्शित करना, अपने शिष्टाचार को प्रदर्शित करना इम्पॉसिबल होता है। इसके लिए आपको अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी। अभी से ही आपको क्या तैयारी करनी है वो भी सुन लो। अभी से आपको क्या करना है, आप अपने घर में रहते हैं, आपकी मम्मी खाना बना के लेकर आती हैं या आपकी सिस्टर पानी लेकर आती है, चाय बनाकर लेकर आती है, तो थैंक यू बोलिए। ठीक है, आप किसी का काम कर रहे हैं कुछ है तो आप वेलकम बोलिए, कोई आपको थैंक यू बोल रहा है तो वेलकम बोलिए। ठीक है, कोई गलती हो जाती है तो सॉरी बोलिए। अपने बोलने में पोलाइटनेस, पोलाइटनेस लेकर आइए। आप जाइए, कहाँ जाइए, समाज के अंदर जाइए, पब्लिक के अंदर जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए। उनसे बातचीत करके आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्राउंड लेवल पर आपको पता चलेंगी, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो ग्राउंड लेवल पर आपको पता चलेंगी। और जब बोर्ड कमिटी के सदस्य आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आप ऐसे हो तो आप क्या करेंगे, अगर आप इस पोस्ट पर हो तो आप क्या करेंगे, तब फिर आप क्या करेंगे, आप व्यवहारिक रूप में उसका आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ आपने इंटरेक्शन किया हुआ है, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। कभी भी बच्चों किताबी ज्ञान से इंटरव्यू फेस करोगे या आप ये सोचो कि किताबी ज्ञान से मैं इंटरव्यू फेस कर लूंगा और सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। व्यावहारिक ज्ञान भी बहुत आवश्यक होता है। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए ना कि हाँ ये बन जाएंगे तो आप ऐसा करेंगे तो आप क्या करेंगे, दुनिया के लिए क्या करेंगे, लोगों के लिए क्या करेंगे, और जब आप आंसर देंगे ना वो आराम से पकड़ लेंगे कि ये अव्यवहारिक आदमी है। अव्यवहारिक का मतलब इसको यूं तो नॉलेज नहीं है, बस ये ऊपर ही ऊपर बोलता जा रहा है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इंटरव्यू की तैयारी करनी है, 3 4 महीने अच्छे तरीके से आपको इंटरव्यू के लिए तैयार होना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा।
अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो अपन इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि लोगों के दिमाग में या बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत अच्छा हूँ और मेरा तो इम्प्रेशन, मेरी तो पर्सनालिटी इतनी शानदार है कि मैं जाऊंगा और मैं आंसर दूंगा और मेरा हैंड टू हैंड क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्मार्टनेस जो कहते हैं ना, एक स्मार्टनेस कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत अट्रैक्टिव हूँ, ये स्मार्टनेस और अट्रैक्टिव जो शब्द बच्चा दिमाग में लेके जाता है और फिर सोचता है कि मैं सिलेक्शन हो जाएगा मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका इंटरव्यू प्रभावशाली होना चाहिए। क्या बोला मैंने? आपका इंटरव्यू प्रभावशाली होना चाहिए, ना कि आपका इंटरव्यू बहुत सुंदर दिखने वाला होना चाहिए। आई बात समझ में? प्रभावशाली का मतलब क्या हुआ? प्रभाव, प्रभाव का मतलब होता है बेटा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी के सामने गए, आपने उससे बात करी, तो उससे बात करने के बाद में जब आप जाए ना, तो वो व्यक्ति आपके कुछ एक दो गुण ऐसे जिनके लिए आपको याद करे कि हाँ यार इसके अंदर ये चीज थी, वो कैंडिडेट में ये बात थी, तो ये जो आपको याद किया गया है ना पीछे से, उसको कहते हैं हम क्या? प्रभाव। उसको बोलते हैं अपन बेटा इम्पैक्ट। और हाँ, इम्पैक्ट के लिए मैं सीधी सीधी सी बात बता देती हूँ, जरूरी नहीं है कि इम्पैक्ट हमेशा पॉजिटिव हो, इम्पैक्ट हमेशा नेगेटिव भी होता है, हो सकता है। तो इसलिए आप किस पर ध्यान देंगे? अपने पॉजिटिव प्रभाव पर, पॉजिटिव इम्पैक्ट पर। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। नाउ हम एक बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, कि जब अपन बात करेंगे कि अपन वहां पर गए, ठीक है, अब मैंने आपको बताया, आपने फेस करे क्वेश्चन आंसर, सब कुछ आपने फेस किया, और फिर उसके बाद में वो जितने भी मेंबर्स हैं, वो जब आपसे क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, तो वो आपके अंदर का व्यक्तित्व, आपके अंदर के गुण को बाहर निकालना चाह रहे हैं। हालांकि वो क्या चाहते हैं कि एक ये जो जॉब है, ये जो इतनी प्रतिष्ठित, इतने उच्च पद की जो जॉब है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट को ही मिले। ऐसा नहीं कि बस कोई एकदम से आधा घंटे के लिए बन के आ गया और उसके बाद में सिलेक्शन ले गया, ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। देखो बेटा, एक सामान्य ज्ञान की बात करें तो आपका सामान्य ज्ञान आप बैठकर किताब में आराम से बढ़ा सकते हैं। कोई विशेष सब्जेक्ट हो तो उसके अंदर भी ज्ञान आपको क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। अच्छी तरीके से आप उसकी पढ़ाई कर लेंगे, आपकी पकड़ भी बहुत उसके अंदर क्या होगी, बहुत मजबूत होगी। लेकिन आपके सामान्य ज्ञान और आपका विशेष ज्ञान तो पहले ही रिटन एग्जाम में क्लियर हो चुका है। आप इस चीज को सोचकर चलिए कि जो आप ये पढ़ाई के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना, कि बुक 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 बुक, इंटरव्यू के बुक, ये बुक और वो बुक, कुछ नहीं है। सीधी सीधी सी बात ये है, सिंपल सी, कि ये किताबी ज्ञान काम नहीं आएगा। इसके लिए तो आपको व्यवहारिक तौर पर अपने अंदर क्या करने पड़ेंगे? धीरे धीरे बदलाव करने पड़ेंगे, तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, तभी आप इंटरव्यू फेस कर पाएंगे और उसको क्रैक कर पाएंगे। बेटा मैं एक शब्द की बात करती हूँ आपसे, और वो शब्द है पर्सनैलिटी। जो मेरे इंटरव्यू जो का के टॉपिक्स में आपको बता रही हूँ, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी। क्या है पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी होता है कि जैसे आप, सिंपल सी बात है, आपको कलेक्टर से मिलने जाना है, बिल्कुल जाना है, आपको लग रहा है कि बहुत ही उच्च पद पे रहने वाला व्यक्ति है वो, तो आप क्या सोचेंगे? आप उसके लिए अपने दिमाग में क्या बनाएंगे कि कैसा होगा वो व्यक्ति? तो वो व्यक्ति कैसा होगा? वो व्यक्ति आपके मन में ये घर करेगा कि ये व्यक्ति बहुत ही पोलाइट बोलने वाला होना चाहिए,
ऐसा ही होगा, बहुत रेस्पेक्टफुली बात करने वाला होना चाहिए। आपको होना होगा ना मन में कि भाई कलेक्टर है तो यार ये गुण तो उसके अंदर होने ही चाहिए। उसके अलावा उसमें क्या होना चाहिए कि समस्याओं को शालीनता से, धीरे से वो समझे, हमारी समस्याओं को अच्छी तरीके से समझने वाला होना चाहिए, स्पष्ट बोलने वाला होना चाहिए और हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान, तो हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने वाला होना चाहिए। आप यही तो बोलेंगे, यही तो सोचेंगे कलेक्टर के बारे में। तो ये जो आपने चीजें चारों तरफ की देखी कि ये ऐसा होना चाहिए, बोलने में भी अच्छा होना चाहिए, हमारा रेस्पेक्ट भी करना चाहिए, हमारी समस्याओं को भी ध्यान से सुनने वाला होना चाहिए और उनका समाधान भी बहुत अच्छा करने वाला होना चाहिए, तो ये चीजें क्या कहलाती हैं, किसी की पर्सनैलिटी कहलाती हैं। और ये पर्सनैलिटी यानी कि ये गुण एकदम से नहीं आते, इसके लिए आपको अपने अंदर इन गुणों को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। एक दिन के अंदर ये आदतें बेटा बिल्कुल नहीं आती, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी से आदत डालिए, अभी से अपने शिष्टाचार अपने रोजमर्रा के काम में लेकर आइए, दिनचर्या के अंदर लेकर आइए, लोगों में जाइए, बैठिए, उनसे बात कीजिए। आप उनके स्तर तक जाके अगर बात नहीं करेंगे तो आप उनकी समस्याएं नहीं समझ पाएंगे। तो फिर जब आपको ये टास्क दिया जाएगा कि अगर आप ये हो तो इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, लोगों की समस्याएं कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये चीज तो हो ही नहीं पाएगी बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आपको अपने इंटरव्यूज की तैयारी करनी है और इंटरव्यू की तैयारी करते वक्त सबसे पहली चीज जो होती है वो ये है कि सबसे पहला अपना खुद का आत्मविश्वास, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, जो मैंने बोला वो बिल्कुल सही है। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये जो इंटरव्यू वाला जो आज मैंने आपको वीडियो भेजा है वो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही दो तीन वीडियो में आगे अपलोड करती रहूंगी, आप उनको देखिए, समझिए और जो भी आपको क्वेरीज हैं वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।